कोरोना का कहर ऐसा भी क्या बरपा कि अब तो बस लाशों पर ही चर्चाएं होने लगी है। सियासी रंग लाशों पर चढ़ाया जाने लगा है। अलग अलग प्रदेश लाशों को लेकर आमने सामने होने लगे हैं। जिन शवों को दफन कर दिया गया अब तो उन पर से भी बालू उड़ रही है और फिर सामने आ रही है जमींदोज लाशें। दरअसल कोरोना संक्रमण के बीच अकेले यूपी में ही कितनी लाशों को दफन किया जा चुका है या उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है ये भी साफ नहीं। हालांकि पिछले दिनों प्रयागराज से लेकर बलिया तक गंगा किनारे दफन किए जा रहे शवों के बाद योगी सरकार की नींद जरूर टूटी थी। बाद में तो हुकूमत ने पूरे प्रदेश में घाटों पर सख्त पहरे भी लगा दिए ताकि कोई गंगा नदी में शव प्रवाहित ना कर पाए। बिहार और यूपी में भी पिछले दिनों तूतू मैमे हुई थी। कुछ इसी मसले को लेकर नदी किनारे जाल भी लगा दिए गए थे ताकि शव इधर से उधर ना जा सके। साहब हालात तो कुछ ऐसे हो इस कदर बिखरी हुई है कि जिनके पैरों में चुभने से न तट पर चलना मुमकिन रह गया ना नदी के अंदर जाना। घाट पर चारों तरफ फैली अंतिम संस्कार की सामग्री ने पूरा नजारा और विभत्स बना दिया है। तस्वीरें तो कई हैं लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते और अब आप समझ सकते हैं कि आखिर अकेले यूपी में ही चाहे गंगा में प्रवाहित लाश हो या फिर जमीन में दफन शव या फिर तस्वीर वो हो जहां आनन-फानन में लाशों का अंतिम संस्कार किया गया हो डराती है, सवाल खड़े करती है सरकार पर, प्रशासन पर, क्योंकि रेत तोड़ जाती है लेकिन फिर पीछे छोड़ जाती है डरावने मंजर। ब्यूरो रिपोर्ट द फैक्ट इंडिया।